हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद निदा। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही डिलीशियस देगी चिकन कोरमा। ये बहुत ही आसान तरीके से आज हम बनाएंगे, बिल्कुल क्विक बनकर तैयार होगा और बिल्कुल जैसे शादियों में हम खाते हैं सेम इसका टेस्ट वही होता है और दिखने में भी सेम वैसे ही ये लगता है। काफ़ी टेस्टी ये बनकर तैयार होता है, तो आप लोग सेम ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाइएगा तो देगी स्टाइल चिकन कोरमा आप लोगों का भी बहुत ही अच्छा बनेगा। और अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर चिकन लिया है, बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, 600 ग्राम लगभग मैंने चिकन लिया है। और अब हमें चिकन को मैरिनेट कर लेना है, तो जिस पैन में हम बनाएंगे उसी में मैंने मैरिनेट किया है, आप चाहें तो बाउल में भी कर सकते हैं। 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है और 1 चम्मच धनिया पाउडर है। नमक भी 1 चम्मच ही हमने लिया है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और काश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच है लगभग, इससे क्या होता है कलर बहुत प्यारा आता है, फिर भी ये आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। और लगभग 60 ग्राम मैंने दही लिया था, बहुत अच्छे से दही को फेंट लीजिएगा तभी डालिएगा। और 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है, 2 हरी इलायची है और 4 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है। इन मसालों को भी हमें मिला देना है। और 2 तेज़पत्ता हमने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ों को अच्छे से आप मिला लें ताकि चिकन में अच्छे से मसाला पूरा लग जाए। और ये मैंने ऑयल डाल दिया, लगभग 50 से 60 ml मैंने डाला है ऑयल। और इसी में मैंने प्याज को फ्राई किया था, वही ऑयल हमने इसमें डाल दिया है ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए। प्याज का फ्लेवर तेल में आ जाता है तो काफ़ी अच्छा टेस्ट कोरमे का हो जाता है। तो अब लीड लगाकर हमें इसको रख देना है, कम से कम हमें 1 घंटे के लिए रखना है। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप 1/2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो अब इसको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर, तो जब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने बहुत अच्छे से लाल कर लिया था। ध्यान रखिएगा कोरमे का जो प्याज होता है वो ज़्यादा डार्क मत करिएगा। और ये हमने कोरमे का कुछ खास मसाला लिया है जिसमें मैंने 6 से 7 हरी इलायची ली है और 1 जावित्री का फूल है, 6 से 7 लगभग लौंग है और बिल्कुल छोटा सा जायफल का टुकड़ा है। अब इसको हमें पीस लेना है, आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं या फिर आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा कम ही रहता है। और यहाँ पे मैंने 4 से 5 मैंने काजू लिया है और 3 से 4 मैंने बादाम लिया है, बादाम को मैंने भिगो दिया था फिर छील दिया है। और 1 चम्मच मैंने नारियल का बुरादा जो होता है वो मैंने डाल दिया है और 1 चम्मच से कुछ कम मैंने खसखस डाला है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक चीज़ हो तो आप उसको भी सिर्फ डाल सकते हैं, तो उसका भी हमें पेस्ट बना लेना है। तो देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है, तो मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था। तो अब देखिए फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और अब हमें इसको पकाना है। जब अभी तो ये काफ़ी ठंडा है तो हमें फ्लेम को फुल कर देना है और जब ये पकना स्टार्ट हो जाए तो फ्लेम को हमें मीडियम टू लो कर लेना है। तो देखिए ये पकने लगा है, तो अब हम फ्लेम को मीडियम करके इसको रख देंगे लगभग 15 मिनट के लिए। तो लगभग 15 से 20 मिनट के लिए मैंने रख दिया था इसको, तो लगभग ये हमारा 70 से 75% ये गल भी जाता है। और अभी इसमें देखिए दही पानी भी छोड़ा है, तो थोड़ा सा भी इसके अंदर पानी है तो इसको पानी को भी हमें जलाना है। तो यहाँ पर जो मैंने ये कोरमे का जो मसाला बना कर रखा था उसको मैंने मिला दिया है। और अच्छे से हमें अब चिकन को भून लेना है क्योंकि ये दही का थोड़ा बहुत पानी रह गया है तो ये जलना ज़रूरी है। और ये जो मैंने काजू बादाम का पेस्ट बनाया था, काजू बादाम खसखस का, उसको भी हमें डाल देना है इसमें। और हमें चिकन को अच्छे से हमें भून लेना है जब तक इसका पानी पूरा दही का खुश्क ना हो जाए और अच्छे से इसमें पूरा एकदम खुशबू ना आ जाए, तब तक हमें इसको चिकन को बहुत अच्छे से हमें भून लेना है। तो आप स्टार्टिंग में फ्लेम को थोड़ा तेज़ ही रखिएगा, जब इसका पानी थोड़ा जल जाएगा
तब हमें अच्छे से लो फ्लेम पे हमें भूनना है। लगभग 4 से 5 मिनट के लिए आप भून लीजिएगा बहुत अच्छे से। और ये जो मैंने प्याज को बिना पानी का मैंने पीस लिया था, ध्यान रखिएगा पानी नहीं डालना है आपको और बिल्कुल मोटा सा पीसना है। तो अब इसको भी हमें मिला देना है इसमें और अच्छे से हमें चिकन को भून लेना है। देखिए पूरा पानी भी दही का जल गया है और बहुत अच्छे से चिकन हमारा भुन भी गया है। देखकर ही पता चलने लगता है कि चिकन हमारा भुन गया और काफ़ी अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। तो जो ग्राइंडर में जिसमें मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था उसी में पानी डालकर मैंने डाल दिया है। लगभग आधा गिलास हमने पानी इसमें डाला है। पानी ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि कोरमा क्या होता है, थोड़ा सा थीकी होता है तभी अच्छा लगता है। तो 75% तो लगभग चिकन हमारा गल गया है, बाकी का हम लीड लगा कर रख देंगे गलने के लिए। और 1 चम्मच मैंने केवड़ा डाल दिया, केवड़ा वाटर, और इसको लगभग 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। जब तक चिकन हमारा अच्छे से गल ना जाए तब तक हमें पका लेना है। तो 10 मिनट के अंदर लगभग ये बहुत अच्छे से पक गया था चिकन। तो देखिए देगी स्टाइल चिकन कोरमा हमारा बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी ये बनकर तैयार होता है, बिल्कुल शादियों में जैसे हम खाते हैं, जैसे शादियों में सर्व किया जाता है सेम वैसे इसका टेस्ट होता है। इतना लाजवाब इसका टेस्ट होता है। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। जैसे हम लोग शादियों में खाते हैं सेम वैसे देगी चिकन कोरमा हमारा बिल्कुल दानेदार सा बना है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कोई एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।